पेट्रोल डिझेल तसेच गॅसचे दर कमी करण्याबाबत खासदार भावनाताई गौड यांनी संसदेत हा विषय मांडला आहे. आज संसदेत पेट्रोल डिझेल तसेच गॅस विद्युत आपूर्ती संदर्भात जी समिती नेमली त्या समितीच्या अहवालानुसार आकडेवारी का जाहीर केली नाही आणि आयात निर्भरता जर आपली 85.1% एवढी आहे तर सरकारने घरेलू उत्पादनावर का भर दिला नाही ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल तसेच गॅसचे वाढलेले दर कमी करता आले असते असे या संदर्भात भावनाताई गौड यांनी संसदेत हा विषय मांडला. अध्यक्ष जी, मुझे उत्तर में यहाँ पर बी में बताया गया है, दिखाया है कि आयात निर्भरता हमारी जो है वो 85.1% है और यफ के उत्तर में इन्होंने दिया हुआ है कि 21-22 तक ऊर्जा आयात निर्यात को 10% तक कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है और उसमें व्यापक तौर पर तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा क्षमता और संरक्षण उपायों को बढ़ाना, मांग प्रतिस्थापना का पर जोर देना जैसे 5 आयामी कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है. प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री और प्रश्न एक ही पूछ रही हूँ क्योंकि ये 20 प्रश्न पूछने का आपने मौका दिया, इसमें मेरा नंबर लगा है ये. हाँ. तो मैं धन्यवाद देती हूँ. मेरा सीधा प्रश्न ये है कि ये आपने 5 कार्यान्वयन नीति के माध्यम से तेल और गैस की जो आपूर्ति के लिए बोला है तो इसमें कितनी आपूर्ति हुई है और कितना घरेलू उत्पादन बढ़ा है इसकी हम यहाँ पर आपने तो दिया है कि हमारी आयात निर्भरता है 85.1% मंत्री तो इसमें हमारा आंकड़ा कुछ भी आपने दिया नहीं उत्तर बताने की कोशिश